Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me, Umar Khan. And as you all know, Lighter Note पे faculty series जारी है और आज के हमारे जो बड़ी ख़ास मेहमान हैं वो कौन हैं उनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊँगा, लेकिन उससे पहले जो मैं कुछ उनके लिए ऐड करना चाहूँगा वो ये कि ग्रीनविच के बहुत से फैकल्टी मेम्बर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, कुछ ऐसे स्टाफ मेम्बर्स हैं जिनके बगैर रौनक नहीं होती, जिनके बगैर वो माहौल के अंदर कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब नहीं होती। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके होने से न सिर्फ स्टूडेंट्स में, स्टाफ में, फैकल्टी में, एवरीवन इज़ ऑलवेज इन अ वेरी हैप्पी मूड। हमारे साथ मौजूद हैं आज मैम शाजिया नासिर, जो कि न सिर्फ ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर रहीं, अपने टाइम पे स्टूडेंट भी रहीं। ग्रीनविच से इन्होंने लिटरेचर में मास्टर्स किया और उसके बाद अभी भी पढ़ाई से दिल नहीं भरा तो PhD इनका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। एंड मीनवाइल इन्होंने अपने जितना एक्सपीरियंस है वो सारा स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र किया, जो आज भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वेलकम टू द शो मैम, होप यू डूइंग वेल। थैंक यू सो मच उमर फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। आपको पता है कि ग्रीनविच तो हमारा इट्स लाइक अ सेकेंड होम टू अस, टू ऑल ऑफ अस, और यहाँ आके तो हमेशा यही लगता है कि आप एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गए हैं और अपने घर में, और सब बहुत ही हम मज़े से रहते हैं। तो ये इस घर से जब से आपकी शिफ्टिंग हुई है, आप कराची से लाहौर जो चली गई हैं, हम तो आपको बड़ा याद कर रहे हैं, आपकी वहाँ क्या सिचुएशन है? ऑनेस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं ग्रीनविच को और यहाँ के अपने दोस्तों को मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वहाँ पे। मुझे मतलब ऐसा सच लाहौर बहुत, आपको पता है, बहुत अच्छा शहर है एंड आई एम वेरी हैप्पी देयर। द ओनली थिंग विच आई मिस आर माई फ्रेंड्स जो ग्रीनविच के हैं, और जो ग्रीनविच का माहौल है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए यही है कि हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम कर लें कि यहाँ के जो हैं वो वहाँ आपके पास आ जाए करें और आप तो फिर ऑफकोर्स यहाँ होती हैं। बट ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ मेमरीज, और सिंस आज आप यहाँ हैं तो वील बी टॉकिंग अबाउट दोज ब्यूटीफुल मेमरीज। जो फर्स्ट आपका ग्रीनविच से इंट्रोडक्शन रहा वो कब था और वो आपकी पहली मेमरी क्या थी ग्रीनविच से? उमर, मैं जब आफ्टर आई थिंक 20 ईयर्स ऑफ माई मैरिज आई परसूड अगेन विद माई स्टडीज, although I've always been attached to the education sector, शुरू से ही पढ़ा रही थी मैं, अब तो मुझे 27 plus years हो गए हैं, पहले schools वगैरह में पढ़ा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने थोड़ा अपग्रेड करती हूँ मास्टर्स, तो मेरे घर के नज़दीक की ग्रीनविच यूनिवर्सिटी थी, मैं आई और सबसे पहला मेरा जो इनकाउंटर हुआ था वो कामरान साहब से हुआ था, और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आईं और बहुत उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ज़रूर ले लें। फिर उसके बाद वो मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं गई। फिर 6 months बाद दोबारा मैंने कहा नहीं नहीं यार कर लेना चाहिए। फिर मैं आई तो मुनीर साहब से फिर इतना ज़्यादा कन्विंस किया और इतने अच्छे तरीके से सारों ने, खैर बहुत ही, तो देन आई टुक माय एडमिशन हियर। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको पता है एक एप्रिहेंशन थी कि मेरी बेटी के बराबर तो मेरी क्लास फेलोज़ थी, लेकिन बिलीव यू मी कि वो जो क्लास फेलोज़ थी वो क्लास फेलोज़ ही थी, लाइक वो देवर लाइक, हम अभी भी उसी तरह फ्रेंड्स हैं जैसे आप बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं ना, तो उसी तरह हमारे थे। जो मेरे टीचर्स भी थे वो भी देर, क्योंकि आपका नेचर ही 16 साल वाला है, वो हमेशा रहेगा, तो यू नो वो एज डिफरेंस फील ही नहीं होता था। हाँ, तो बहुत अच्छा मेरा, बहुत एज अ स्टूडेंट भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और बाद में मैंने यहीं पे जॉब भी की, तो वो तो बहुत ही शानदार टाइम गुजरा। ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स आपने मैंशन किया कि एक फैमिली वाला माहौल है हमारा, सारी चीज़ें, सो इट्स हार्ड फॉर यू टू नेम एनी वन और एनी फ्यू जो यू नो और योर फेवरेट कोवर्कर्स, लेकिन वर्किंग एट ग्रीनविच और जो एक हम लोगों का एक इन्वायरमेंट होता है, एक फ्रेंडली माहौल होता है, साथ में ट्रैवलिंग इतनी हुई, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, सो उसके हवाले से कोई मज़ेदार वाकया, कोई मज़ेदार किस्सा जो याद रहता हो उसके हवाले से? अभी परसों ही हम याद कर रहे थे कि हम लोग गए थे 2019 में गए थे चाइना, नहीं 19 में गए थे चाइना गए थे, बस आपके आने के बाद ही वो वहाँ पे कारनामा हो गया कोरोना वाला। हाँ बिल्कुल, तो हम जब वहाँ पे थे तो इट वाज बीजिंग में -11 था, और हम तो इतने, आपको पता है कराची के लोग थोड़ी बहुत तैयारी करके गए थे, लेकिन ऐसे ही तो मैं वॉक कर रही थी तो रब नवाज़ को मैंने कहा कि रब नवाज़ समहाउ आई एम अनएबल टू फील कि मेरे कोई होंठ हैं या मेरा मुंह है या कुछ, तो कहते हैं क्या मतलब है आपको, क्या हो गया? मैंने कहा मुझे फील ही नहीं हो रहा। तो फिर वो वहाँ जो चाइनीज़ हमारे कुछ दोस्त थे उन्होंने कहा कि आपको कहीं वो फ्रॉस्टबाइट टाइप की चीज़ ना हो रही हो, तो उसने फिर एक जगह ढूंढी वहाँ पे, वो गर्म था, हीटर वीटर थे, वहाँ पे साथ बिठाया और वहाँ पे फिर हमने किया। लेकिन जो सबसे मज़ेदार वाकया है वो ये था कि जब हम मॉरिशस गए और वहाँ पे डीप सी था,
और वो पैरा सेलिंग जो करते हैं, तो मैं बहुत इन चीज़ों से भागती हूँ. बट अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन अनम दुरानी, उन्होंने कहा कि नहीं 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 कर ले कुछ नहीं होता, कर ले. तो वो मैं मुझे बिठा दिया. आप अकेली थी, आपके नहीं, साथ नहीं, नहीं, अनम थी मेरे साथ. अच्छा, आप दोनों साथ थी. साथ थी. तो आप सोचते हैं कि क्या बम गिरा होगा. और उसके बाद जब वो ऊपर हम गए तो मैंने आंखें नहीं खोली एंड आई वाज कांस्टेंटली कर्सिंग अनम कि तुम मुझे क्यों लेकर आई हो. राइट. तो जब वो एक राउंड लगा के वापस आया तो उसमें ये करना होता था कि आपने खुद राइट लेफ्ट, तो उन्होंने बताया था कि आपने खुद से नीचे आना होता है डेक पे ना. तो अनम कह रही राइट कर ले, लेफ्ट कर ले. अब वो राइट लेफ्ट में पता नहीं मैंने क्या किया कि अगेन वो ऊपर ही चला गया. तो अगेन वो फिर तो ये हाल था कि मैं उसमें सबसे मुश्किल होता है लैंडिंग के वक्त. आप अगर गलत अपना पैर लैंड करें तो यू कैन ब्रेक योर लेग. बिल्कुल. तो खैरियत से आप नीचे आ गए. तो बस क्या बताऊं, उसके बाद जो हाल मैंने अनम का किया और फिर जो हुआ ये समझ लें, दिस वाज द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ भाई लैंड करा ले, पैसे ले ले लैंड करा ले. ये पाकिस्तानी वर्जन था. बिल्कुल. इतनी ऑफ कोर्स इतनी खूबसूरत मेमोरीज रही, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके पैशन है दैट इज लिटरेचर, जो आप फील रही, जहां आपने पढ़ा भी और अब पढ़ा भी रही काफ़ी सालों से, ग्रिनिच के काफ़ी बच्चों ने आपसे पढ़ के इस फील्ड में भी एक्सेल किया. कोई फेवरेट स्टूडेंट या कोई ऐसा स्टूडेंट जो याद रह गया हो किसी वजह से? फेवरेट स्टूडेंट्स तो मेरे ऑनेस्टली उमर, मैं आई ऑलवेज यू नो एज अ टीचर ट्रेनर भी मैं हूँ, तो मैं जो कहती हूँ टीचर्स को कि यू हैव टू बिल्ड अ रेपो विद योर स्टूडेंट्स अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट. तो आपकी पढ़ाई लकीली मैंने जो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए उनमें सारे ही अच्छे थे. किसी एक को नाम लेना तो बड़ी ज़्यादती होगी दूसरों के साथ, लेकिन ये है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि नादिया कलीम जो कि फैकल्टी भी थी वो मेरी स्टूडेंट भी रही हैं. तो हमने साथ पढ़ा भी, फिर वो मैंने उन्हें पढ़ाया भी और फिर हमने साथ काम भी किया. तो शी वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. प्लस दुआ रिजवान, दुआ काजी, ये बहुत ज़बरदस्त, यू नो दोज हु रियली, वैसे तो सारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स, बिकॉज लिटरेचर इज़ समथिंग जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है. एग्जैक्टली. यू नो आपको सोचने समझने की सलाहियत आपकी इंक्रीज होती है, बिकॉज आप कोई लिटरेरी वर्क आप पढ़ते हैं तो उसकी आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन. लिटरेचर में तो ये प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, उसमें तो सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं. हाँ, प्यार मोहब्बत की बातें जो है ना वो एक एक खास सेक्शन है जिसमें होता है, अदरवाइज तो सारा सोचना ही सोचना है. यहाँ तक भी सोचता है कि हम क्यों हैं. यू नो अभी लास्ट सेमेस्टर मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाया. नाउ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ऑल अबाउट के हु आर यू, यू नो आपका इस दुनिया में मकसद क्या है, या वो फ्रीडम की. जॉन पॉल सार्ट्र ने ये उसको ज़्यादा मशहूर है जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रमोट किया, और उसने कहा कि मैन इज़ यू नो ही इज़ द ओनर ऑफ योर हिज ओन चॉइसेस. आप यू नो फ्रीडम की वो बात करता है कि खुद जो मर्जी करना है आपने. तो लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है. ऐसा समुंदर है जिसमें जब आप कूद जाएं तो दिल करता है कि बस तैरते ही जाएं और गहराई ना आपको सिरा मिलता है. वो जो प्यार मोहब्बत है ना वो फिक्शन के कुछ यू नो प्राइड एंड प्रेजुडिस और इस तरह के दो चार नॉवेल हैं. द रीज़न रोमियो जूलियट, द रीज़न आई मेंशन दिस इज़ के जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, लिटरेचर से अवेयर नहीं है, उनके लिए लिटरेचर बस ये गिनती की तीन चार किताबें हैं. लेकिन ये बात करने का मकसद ये कि लिटरेचर वो दुनिया है जहाँ वाकई वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ आपको आपका ओपिनियन डेवलप करवाती है, साथ ही साथ आपका विजन ब्रॉड होता है. यू गेट टू नो, यू गेट टू सी कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और दुनिया कितनी वाइडन है, ना कि वो एक लिमिटेड दुनिया जो हम लोगों ने अपनी एक बबल की बनाई हुई होती है. सो मैम, हमने लिटरेचर के हवाले से बात की, एट द सेम टाइम आप मल्टी टैलेंटेड हैं. You can cook very well, you can sing very well, you can dance very well. Yes. I know that, we've been dancing partners. So, इतना जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, आपने ट्रेनिंग की बात की, आप मोटिवेशनल सेशंस भी करते हैं. जी जी. तो ये सारे जो एक एनर्जी का झटका है ये कहाँ से आता है? बस उमर, हाँ मैं आई एम दैट काइंड ऑफ, मुझे फुल ऑफ एनर्जी. वो इवन माई हस्बैंड सेज़ सो के मतलब तुम्हारी एनर्जी जो है मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से आती है, और ये रात के एक बजे तक भी इतना थक हार के आएगी तब भी यही चले मूवी पे चले. तो यू नो आई थिंक इट्स द माइंड सेट. राइट. ये माइंड सेट आपका होता है कि आप किस तरीके से. आई एम फन लविंग. मुझे फन करना, कराना, खाना पकाना, खिलाना, इसीलिए तो आप सबसे ज़्यादा याद आती हैं हमें कि वो मतलब वो एक
bubbly factor is missing now. हाँ, बस वो, you know, you have to enjoy life. हर एक की ज़िंदगी में problems हैं. True. सबकी ज़िंदगी में कोई किसी को ऐसा तो नहीं है कोई perfect हो. लेकिन आपको वही बात है कि उन problems को आपने किस तरह face करना है. खुदा ना हस्ता अल्लाह ना करे कोई extreme के ना हो. Otherwise तो आते हैं जाते हैं. उनको आपने positively लेना है. और अब जैसे ये कोरोना का क्या हमारे पे मतलब 2 साल हो गए एंड वी आर लाइक हाउस बाउंड ही थे तकरीबन. तो उसमें किस तरीके से हम लोगों ने कोपअप किया है हंस बोल के. हम यूनिवर्सिटी भी आए, काम भी किया, घर से बैठ के भी काम किया. तो चलता है एंड यू हैव टू हैव दिस पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. बिल्कुल, आपने सुना पॉजिटिव अप्रोच. और ये जो हमारा छोटा सा सेशन रहा उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम मिशाजिया को इतना जो मिस करते हैं क्यों करते हैं. बिकॉज वी आर मिसिंग दिस attitude and this environment you know jo inke around hone se hota tha. So ma'am, as much as I'm loving this session, we're also running out of time. Lekin jaane se pehle koi message hamare dekhne walon ke liye, aapke sare purane colleagues, students, jitne log aapko dekh rahe hain, kya kehna chahenge? Main sabko yahi message deti hu ki message kya, ek friendly opinion aap samajhne hai ki zindagi ko tareeke se guzaro. लेकिन उसमें अपनी एक तो यह है कि यू हैव टू गिव टाइम, प्रॉपर टाइम टू योर फैमिली, टू योर लव्ड वंस. और फन करो, खुश रहो, पॉजिटिव अप्रोच रखो टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स एवरीथिंग. इन चीज़ों में नहीं पड़े कि फलाने ने क्या कह दिया, इसने ये कह दिया, यू कर दिया. यू डू योर वर्क विद ऑनेस्टी, खुश रहो, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अल्लाह ताला राहें निकालता चला जाएगा. ब्यूटीफुल मैसेज. फोकस रहें, क्योंकि जहां आप उन चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जो लॉन्ग रन में आपको मैटर नहीं करेंगी, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड यू आर जस्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ. मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा. आपको पता है कि हम सबको पता है कि आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं. ओहो नहीं भाई, इतना अच्छा नहीं गाती कि मैं इस पर गाऊँ. हाँ, सो कुछ 2 लाइन्स आपने गुनगुनानी है अपने सारे स्टूडेंट्स, कोलीग्स और ग्रेनेच. ओके, तो क्या सुनाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही. तो तुमने मुझे एकदम नहीं आया मैं ना. दैट्स व्हाट आई डू. ये लाइटर नोट का एक पार्ट होता है. सो अब जो पहली चीज ग्रेट सोच के आपके जहन में आती है तो उसके ऊपर गाना सुना. अच्छा चलें, एक आलमगीर का बड़ा मशहूर सॉन्ग है. शाम से पहले आना, धूप सारी ढल गई हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना. शाम से पहले आना. इतना काफ़ी है? नहीं, बहुत है. लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि डायरेक्शन किसकी तरफ है. ये मैं चाह रही हूँ ग्रेनेच वाले मुझे कहें. शाम से पहले. बिल्कुल. एंड वी सीरियसली मिस यू नो. आज इतनी खुशी हो रही है कि मैम आई. और लेट मी टेल एवरीवन के मुझे जैसे दिखा कि मैम शाजिया है, मैंने बोला नहीं, सारे एपिसोड्स कैंसिल, मिस शाजिया हैज टू बी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लाइट एंड नोट. थैंक यू सो मच उमर. इट्स ऑलवेज यू नो, हम लोगों की तो इतनी गपशप और शुरू से ही बहुत ज़्यादा हमारी रही है. और इट्स always a pleasure to be with you, to be with the media team, to be with Greenwich. तो बहुत मज़ा आता है मुझे तो. बिल्कुल. एंड बिल्कुल, आपने सुना मिस शाजिया को एंड ऑल द ब्यूटीफुल मेमरीज. जैसे इतनी बेताशा मेमरीज हैं कि वो एक एपिसोड में उनको समाना बड़ा मुश्किल है. लेकिन इस सारी चीज़ों का एसेंस आपको साफ नज़र आता है कि when we say Greenwich family, we actually mean it. Because यहाँ पे जितने लोग जो हम साथ हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करें या वर्किंग लाइफ की बात करें, दिस दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड वेयर यू एक्चुअली फील लाइक होम, जहाँ पे हर तरह के होम की आपको फीलिंग आती हैं. सो दैट्स व्हाट मेक्स ग्रेनेच व्हाट इट इज. बिल्कुल बिल्कुल. तो थैंक यू वंस अगेन मैम. थैंक यू सो मच. आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. आप इधर नहीं तो हम लाहौर आ जाएंगे फिर. वो कल मुझे, आज कोई पूछ रहा था ना कि आपको अभी आके वापस, मैंने कहा मैं तो लगता है गई नहीं थी. ऐसे वो बिल्कुल लग रहा है कि मैं तो गई नहीं हूँ, सिर्फ छुट्टियों पर गई थी, वापस आ गई. बस हम सारे जो है वो एक ट्रेन की बुगी बुक करते हैं. बिल्कुल. तो बिल्कुल मुलाकात होगी. आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा एंड लेट अस नो ऑन आवर फेसबुक एंड यूट्यूब पेज कि आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट फैकल्टी सीरीज में किस फैकल्टी मेंबर को देखना है. और मिस शाजिया के साथ आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है कमेंट्स में बताना. एंड नेक्स्ट टाइम कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.